मुंबई में लोकल ट्रेन के दरवाजों को अब मेट्रो की तर्ज पर बनाने की तैयारी हो रही है। बताया जा रहा है कि लोकल ट्रेनों में हादसों को रोकने के लिए ऑटोमेटिक दरवाजों को लगाया जा सकता है, लेकिन अभी मुंबई लोकल में प्रयोग के तौर पर ऐसे दरवाजों का परीक्षण हो रहा है। मुंबई के लोकल ट्रेनों में हादसों को रोकने के लिए रेलवे ने कमर कस ली है। अब लोकल ट्रेनों में भी लगेंगी खुद ब खुद खुलने और बंद होने वाली ऑटोमेटिक डोर। मुंबई की लाइफलाइन को बदलने की यह कवायद इसलिए हो रही है ताकि लोकल को हादसों की ट्रेन बनने से बचाया जा सके और मुसाफिर इन ट्रेनों में सुरक्षित सफर कर सके। मुंबई में ये तस्वीरें आम है। लोकल ट्रेनों में सफर करने वाले ज्यादातर मुसाफिर ट्रेन के दरवाजों के पास खड़े होकर या फिर दरवाजों पर लटक कर सफर करते हैं, लेकिन ये सफर मौत को दावत देने से भी कम नहीं, क्योंकि लोकल ट्रेनों में हादसों की वजह से मौत का शिकार होने वालों में दरवाजों पर लटक कर सफर करने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है। भीड़ के वक्त में, खासकर दफ्तर जाने और दफ्तर से लौटने के वक्त, लोकल ट्रेनों में भयंकर भीड़ होती है, जिस कारण धक्का मुक्की में मुसाफिर अक्सर हादसों का शिकार हो जाते हैं। लेकिन माना जा रहा है कि अब लोकल ट्रेनों में लगने वाले इन ऑटोमेटिक दरवाजों से हादसों को रोका जा सकता है। ट्रेन एक्सीडेंट के कारण प्रतिदिन 9 से 10 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें से 60 से 70 फीसदी एक्सीडेंट दरवाजा से गिरने के कारण होती है, क्योंकि मुंबई लोकल का दरवाजा अब तक खुला रहता था, लेकिन अब मुंबई लोकल बदल रही है और इसमें ऑटोमेटिक गेट लग रहा है, जो कि सेंसर के द्वारा जैसे ही स्टेशन पर, जैसे कि मेट्रो में आप देखते हैं उसी तरह से, जैसे ही ये ट्रेन रुकेगी वैसे ही दरवाजा खुलेगा और अपने आप बंद हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक दरवाजा होगा ताकि एक्सीडेंट कम किया जा सके, हालांकि ये अभी प्रायोगिक तौर पे है। मेट्रो की तर्ज पर ये दरवाजे 15 सेकंड के लिए खुलेंगे और फिर बंद हो जाएंगे। बिना एसी वाली ट्रेनों में हवा की कमी की वजह से लोगों का दम न घुटे, इसके लिए खास तौर के दरवाजे बनाए जा रहे हैं। रेलवे ने प्रयोग के तौर पर ऐसा ही एक ऑटोमेटिक दरवाजा पश्चिमी रेलवे की एक ट्रेन में लगाया है। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो बाकी लोकल ट्रेनों में इसे लगाया जा सकता है। ऑटोमेटिक डोर क्लोजर का एकमात्र पर्पस ये है कि इससे जो इंजुरीज और कैजुअलिटीज होती हैं सबर्बन की वजह से, इन पे कंट्रोल किया जा सके। 50% से 60% कैजुअलिटीज का कारण सिर्फ डोर ट्रेवल है तो या स्टोन थ्रोइंग है, डोर क्लोजर उसके ऊपर पूरा रोक लगाएंगे। रेलवे के मुताबिक लोकल ट्रेनों में इस दरवाजों को लगाने का खर्चा करीब 1500 करोड़ रुपए आएगा। मुंबई में हर रोज लोकल ट्रेनों से गिरकर मरने वालों की तादाद 9 से 10 के करीब होती है, जो कि मुसाफिरों की सुरक्षा के नजरिए से बेहद ही खतरनाक है। इसे देखते हुए रेलवे के इस प्रयास को सराहनीय कहा जा सकता है और उम्मीद की जा रही है कि ऑटोमेटिक दरवाजे लगने से ट्रेनों से गिरकर होने वाले हादसों में कमी आ जाएगी। मुंबई लोकल में एक्सीडेंट की संख्या को देखते हुए अब मुंबई लोकल भी ऑटोमेटिक हो रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेट्रो की तरह ही ये लोकल का दरवाजा भी अब ऑटोमेटिक कर दिया गया है ताकि एक्सीडेंट की संख्या कम की जा सके। मुंबई की अगर बात करें तो 9 से 10 लोगों की मौत हर दिन ट्रेन से गिरने या कटने के कारण होती थी, जिसमें से 60 से 70% एक्सीडेंट दरवाजे से गिरने के कारण होती थी। कैमरामैन इम्तियाज के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज 24 मुंबई।